हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, कब तक वो खत्म हो सकता है, रीयूनियन कब तक हो सकता है, ये एक जर्नल रीडिंग होगी और एक टाइम डेस रीडिंग होगी। ओके, तो जब तक हम कार्ड शफल करते हैं, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सभी ज़ोडियक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लेना है। हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक उनके साथ रीयूनियन कर सकते हैं, ट्रॉमा मोमेंट कब तक ख़त्म हो सकता है, कलेक्टिव लेवल पर हमें गाइड कीजिए। टेम्परेंस, ओके, नाइन ऑफ वर्ल्ड, जस्टिस, वाह, फाइव ऑफ मून। 5 साल से ज़्यादा हो गए होंगे आप लोगों को। ओके, मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग डबल वन ट्रिपल वन टेक्निक या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप लोग। ओके, और कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं या फिर उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। ओके, द मून, द मून की एनर्जी कोई कंट्रोल करता है आपके पार्टनर को, इस रिश्ते को। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो काफ़ी समय से आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा चल रहा है और आपके पार्टनर कोई एक हट वाली बात लेकर बैठे हुए हैं कि ऐसा ही होगा, नहीं तो तुम नहीं आ सकती या तुम नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, थर्टीन ऑफ स्टार, ओके, वन ऑफ सन। कुछ आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है इस रिश्ते में, पॉजिटिव इस रिश्ते के फिर से शुरू हो जाने की। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता चलता रहे आगे और पॉजिटिव हो जाए, एक टाइम पर आके आप दोनों एक हो जाएं, तो आपको इस एनर्जी से निकलना होगा। ओके, टेन ऑफ वर्ल्ड, काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं मेरे कुछ व्यूवर्स तो। द हैरमेट, आप दोनों, आप लोगों ने अपने आप को एकदम चेंज कर लिया है, जिस तरह से आप ज़िंदगी जीते थे एकदम उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं आप लोग। द एम्प्रेस, ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड तो हैं लेकिन कुछ रुकावटें दिखाई दे रही हैं आपके इस रिश्ते में। कॉल मैसेज तो आ सकता है आपके पार्टनर का आपकी तरफ। यहाँ पर गाइस, कुछ तो रुकावटें दिखाई दे रही हैं आपके और आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप भले से उन्हें कितना भी कुछ भी कहते रहें, बोलते रहें, बताते रहें कि ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया या इस रिश्ते में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो अक्सर वो चीज़ें करते हैं जो उन्हें दूसरे लोग कह देते हैं, अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके से कोई पर्सन है जो पपेट बना के आपके पार्टनर को यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, वो इस तरीके की एनर्जी में होंगे कि दूसरों ने जो कह दिया बस वो है। आप दोनों के बीच में प्यार से बात हो रही है और किसी तीसरे पर्सन ने आके छोटा सा कुछ बोल दिया आपके ख़िलाफ़, तो एकदम आपके लिए बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाएंगे आपके। इस तरीके की एनर्जीज में रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है गाइस, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करनी ही है, हर हाल में टाइम निकालना ही है आपको। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी दूर हो जाए, तो ये चीज़ आपको करनी ही होगी। टेम्परेंस का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत जल्दी, अभी तो नहीं, अभी रिसेंटली मैं कह नहीं बता सकती कि बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाला समय कब होगा, जब आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास रिलीज़ हो जाएंगे, जब आपको एंजल नंबर्स दिखाई देने लगेंगे, जब आपको वाइट कलर के बर्ड्स दिखाई देने लगेंगे, अचानक आपको ड्रीम्स आने लगेंगे, ये चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी जब आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन का टाइम होगा। ठीक है, अगर आप में से किसी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो यही सही टाइम है कि आप अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव रखें ताकि ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं हो। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ख़ास तौर पे आपके पार्टनर जो है आने वाले समय में अपनी फैमिली से आपको लेकर बात करने ही वाले हैं।
ठीक है, बात तो करेंगे ही, साथ में अगर उनको कोई जो अब उनकी एनर्जीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी, बिल्कुल अलग हो जाएंगी, वो आपकी बात नहीं सुनते तो पूरी तरह से आपकी बात सुनने लगेंगे। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा पर्सन है जिसने, ठीक है कोई नहीं, ये सब चीज़ें करने के लिए आप किसी तांत्रिक के पास बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि कोई तांत्रिक, हाँ जिसको आप सामने से जानते हैं, आप जिनके पर आप भरोसा करते हैं उनके पास आप जा सकते हैं, लेकिन किसी तांत्रिक को ऐसे ऑनलाइन पैसे मत दीजिएगा कि 12 घंटे में, 6 घंटे में या 15 मिनट में आपका प्यार आपको, मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं सबसे पहले फुर्सत में उनको डिलीट कर देती हूँ, आप तक तो पहुँचने ही नहीं देती हूँ उन मैसेजेस को, और डिलीट क्या करती हूँ ऐसे नंबर्स को मैं सीधे ब्लॉक कर देती हूँ उधर यूट्यूब पर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, कुछ नहीं होता है कि क्यों क्यों नहीं, नहीं ऐसा होता है क्यों, वो लोग कर सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन में भरोसा नहीं करते। ऑनलाइन जो जो भी लोग ऐसे तांत्रिक नंबर्स, अगर उनके पास वो इतने जेन्यून हैं तो उन्हें किसी भी चैनल पे जाके किसी लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स लगाकर वहाँ नंबर लिखकर ये सब इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सही है तो उनके पास लोग खुद आएंगे काम करने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ये सब काम करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे 15,000 11,000 पता नहीं कितने कितने पैसे, और फिर भी तो कुछ नहीं होता होगा, तो आप लोग को मिल गया होगा, पता चल गया होगा कि ऐसा किसी पे इस तरीके से ट्रस्ट नहीं करना है। पता नहीं मैंने क्यों ये बताया है, लेकिन मुझे ऐसा अचानक लगा कि कोई तो है किसी को पैसे देकर काफ़ी ज़्यादा, और वो डिप्रेशन की एनर्जी में चले गए हैं, ये पैसे भी चले गए, मेरे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, है ना, और आप पैसे उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं करता, किसी को जानते हैं वो ज़रूर कर सकता है, अननोन पर्सन को पैसे मत दीजिएगा। आने वाले समय में उनके अंदर वो जो हट की एनर्जी है, जो मुझे चाहिए वो चाहिए, वो वाली एनर्जी आपके लिए आ जाने वाली है, फिर भले से उनकी फैमिली भी अगेंस्ट हो जाएगी, वो आपके पास आएंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज पूरी तरह से चेंज होने वाली हैं आपको लेकर। यहाँ पर फिर कोई कितनी भी कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करे, आपके आपके पार्टनर के 24 घंटे कोई कान भरता रहता था आपके खिलाफ, लेकिन अब क्या है, आपके पार्टनर इस चीज़ से थक जाएंगे, कोई कितनी भी आग लगाए इस रिश्ते में, वो नहीं उस सामने वाले पर्सन की बातों में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन है पूरे टाइम आपके पार्टनर के कान भरता रहता है आपके खिलाफ। तो ये मान लीजिए कि आप बहुत गलत हैं, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन आपके पार्टनर को कान खा जा रहे, वो इतनी बुरी है या इतना बुरा है, तो एक पर्सन कब तक आपकी बुराई सुनेगा, वो इरिटेट हो जाएगा उससे भी। तो आपके वो पार्टनर, वो जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली पर्सन हो सकता है उनका, कोई भी हो सकते हैं, उससे थक जाएंगे, उसको झटकार देंगे, जिस दिन उससे दूर जाएंगे आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर को आपकी असलियत समझ आ जाएगी कि वो तीसरा पर्सन सिर्फ आपसे दूर करना चाहता था आपके पार्टनर को, इसलिए बुरा किया, हालांकि आप में कोई कमी नहीं थी, आप इस रिश्ते में रहना चाहती थी या रहना चाहते थे, आप लोग इस रिश्ते में हमेशा साथ रहना चाहते हैं, दूरियां नहीं चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को समझ आ जाएगा। कुछ शक भी डाला था आपके पार्टनर के दिमाग में, वो भी बिल्कुल धीरे 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 आपके पार्टनर के दिल दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी थक चुके हैं, जस्टिस चाहिए उनको भी, वो परेशान हो गए हैं अब आपसे दूर होकर, शादी में रहकर भी वो आपसे दूर हैं और सिंगल हैं, तो उनको कुछ और रास्ता मिल ही नहीं रहा है, आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, वो इस एनर्जी में आ जाएंगे कुछ टाइम में। ओके, यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ मून की एनर्जी, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी थी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपको 369 टेक्निक यूज़ करनी ही है यहाँ पर, ठीक है, द मून की एनर्जी है यहाँ पर, तो मून की एनर्जी ये बताती है हमें कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी में थे या उसकी बातों में आ जाते थे, कंट्रोलिंग एनर्जी में, वहाँ से बहुत जल्दी निकलेंगे अब आपके पार्टनर। 13 ऑफ स्टार यहाँ पर आपके पार्टनर निकल जाएंगे उस एनर्जी से, यहाँ पर आपकी दुआएं और आपका सब्र काम में आएगा, ऊपर वाला सुन रहा है, थोड़ी देर लगा देता है तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज़रूर वो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को लेकर आएगा। टॉप ऑफ मोमेंट यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच का ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपको एक बेबी भी हो, उसी वो भी एक बड़ा रीज़न होगा कि आपके पार्टनर को लगेगा कि वो पर्सन मेरा या मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, तो मेरे बच्चों के बिना रह रहा है, या मेरे मतलब वाइफ है आपकी, आप वाइफ देख रही हैं, तो आपके पार्टनर को लगेगा कि कब तक संभालेगी, तो उनकी बुद्धि खुल जाएगी, इस कंट्रोलिंग एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से निकल कर आपके पार्टनर की बहुत जल्दी आपकी तरफ लौटना होगा आपके पार्टनर को आपकी तरफ। यहाँ पर 10 ऑफ वर्ड है, कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं, टाइम थोड़ा लंबा और हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा मुझे इयर्स में नहीं दिख रहा, मुझे मंथ्स एंड डे दिख रहे हैं,
ठीक है, मंथ एंड डेज दिख रहे हैं, उसके अलावा मुझे बहुत ईयर्स में बहुत जाके लंबा समय गुजरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मुझे लग रहा है 10 साल 8 साल और 5 साल से तो वेट कर ही रहे हैं, या 10 महीने 8 महीने 5 महीने भी हो सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकअप का हो सकता है आप लोग को 3 महीने हो, लेकिन इस रिश्ता काफ़ी ज़्यादा पुराना हो सकता है, गहराई बहुत है इस रिश्ते में। द हेरमिट, मैंने कहा है आप लोग थोड़ा रिलीजियस हो जाइए, ऊपर वाले पे बिलीव करने लगी है, मन को शांत कीजिए। आप माला, आप रिलीजन कुछ भी है गाइस, बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारी दुआएं होती हैं, बहुत अपने मन को शांत करने के लिए जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन अगर आपको ये सब चीज़ नहीं करनी है, अपने रिलीजन की तरफ आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी मैं शांत, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है, आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए। हॉबीज़ में जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, सिर्फ खुद पर 21 डेज सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप हैं 21 डेज के लिए। फिर आप देखिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, जो भी रिश्ते चले गए थे वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप बहुत जल्दी अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ मिलने वाले हैं, और आपका एक कहता है ना एक प्रमोशन होने वाला है। हस्बैंड और वाइफ है तो आप मदर और फादर बनेंगे, अगर सिंगल हैं तो वो आप हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे अपने पार्टनर के। ओके, तो गाइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस आज के लिए है कि आप लोग सिर्फ पॉजिटिव रहें अपने रिश्ते के ऊपर, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट करें। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।